धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए तूने हम सबको दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। कुछ समय आपकी स्तुति और आराधना करने जा रहे पिता परमेश्वर, हालेलुया। विशेष अनुग्रह हम सबको भर दीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी प्रोग्राम को देख रहे हैं आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हालेलुया। प्रभु जी आप काम कीजिए, आपका अनुग्रह रहने पाए पिता। अब्बा पिता सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
दिनों से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना में करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना में करता तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले बैठूंगा, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले बैठूंगा, ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे कैसे पानी के प्यासा मैं भी तू तेरे लिए, जैसे हूँ पानी के लिए प्यासा मैं भी तू तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले बैठूंगा, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले बैठूंगा, चल मुझे है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, मेरा प्रभु,
परमेश्वर का नाम का महिमा हो सबको। जय मसीह की एक अद्भुत आराधना आज दिया है और मिलकर के परमेश्वर की उपस्थिति में मगन होंगे और आनंदित होंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए मेरे साथ वचन का अध्ययन करने के लिए आप तैयार हो जाइए, प्रार्थना के साथ बैठिए, आज प्रभु हमसे बात करेंगे। आइए छोटे से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर जीवित खुदा, अद्भुत सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस आज का सुबह का प्रकाश हमें दिखाया प्रभु जी, आज सुबह उठ करके तेरी महिमा प्रशंसा स्तुति करने के लिए अवसर मिला, धन्यवाद देता हूँ। तमाम आशीष और अनुग्रह तूने हमारे ऊपर उंडेल दिया, हर बात के लिए हम आभारी है प्रभु जी। आशीष करिए हमारे सामने जो बैठे हुए भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको आशीष करिए प्रभु जी, शारीरिक मानसिक और हर प्रकार की वेदना दर्द इसी वक्त यीशु के नाम से मैं खंडन करता हूँ। तमाम सैतानिक शक्तियां युक्तियां अभी तक प्रबल हुआ है उसको यीशु मसीह के नाम से खारिज कर देता हूँ। वचन के खिलाफ में उठा हुआ सारे शक्तियों को मैं बांध देता हूँ। हमसे बोल और बातचीत करिए प्रभु जी, आदर सम्मान गौरव प्रशंसा स्तुति केवल यीशु मसीह को देता हूँ, मसीह यीशु का सामर्थी जीवित और पवित्र नाम से। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। फिर से हम लोग परमेश्वर का पवित्र वचन पवित्र आत्मा के चरणों पर बैठ करके हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके लिए एक वचन मेरे साथ आप पढ़ेंगे, पहला राजा 17 अध्याय का पहला वचन। पहला राजा 17 अध्याय का पहला वचन। तिशबे एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ,
इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज थोड़ा से हम ध्यान से देखेंगे एलिया का जीवन का कहानी। एलिया एक परमेश्वर का अद्भुत भविष्यवक्ता, परमेश्वर से नियुक्त किया गया। मैं विश्वास करता हूं उस समय का सारे भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ भविष्यवक्ता था एलिया। एलिया के जीवन का थोड़ा से करीब देखेंगे। इस वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें आहाब राजा के साथ एक वार्तालाप दिखाई देता है और विशेष करके इसराइल का परमेश्वर यहोवा का सामने में खड़ा होम करके बताता है। फिर से पढ़ेंगे उसी वचन। तिशबे एलिया जो गिलात के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपना कलम बाइबल से समय अंडरलाइन करेंगे, जिसके सामने में उपस्थित रहता है। हालेलुया। जिसके सामने उपस्थित रहता है। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। इसमें से थोड़ा सा एक स्टडी देना चाहता हूं, केवल 2-3 पॉइंट बताएंगे। जिसके उपस्थिति में मैं खड़ा होता हूं करके एलिया बोलने के लिए ही अब एलिया के अंदर है। मैं फिर बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति परमेश्वर का सम्मुख में अपने आप को रखता है, उस व्यक्ति छोटे छोटे मनुष्य के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। अनावश्यक कोई पुलिस के सामने, कोई वकील के सामने, कोई डीएम के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, पॉलिटिकल पार्टी के नेता के सामने, कहीं भी यहोवा के सामने अपने आप को प्रकट करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, किसी के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। इसमें से एक अद्भुत बात मैं बताना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। आपके जीवन में एलिया का जीवन जैसे आप बता सकता है कि अपने आप को मैं यहोवा के सम्मुख में रखा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। दो बातें बताना चाहता हूं इसमें से। एक, यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए ही अब पाया हुआ एलिया, और उस एलिया का जीवन में प्रार्थना जीवन के बारे में बताएंगे। एलिया के बारे में याकूब का पत्री में याकूब विशेष कर रहा है। याकूब बताया, एलिया हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। पढ़ेंगे 5:17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसने ये भी अंडरलाइन करिएगा, उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की। इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बाद क्या जरूरत है गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने के लिए? तो हम इसमें से सीखना है, यहोवा के सम्मुख में रहने वाला व्यक्ति प्रार्थना पुरुष या प्रार्थना स्त्री होंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना, अपने आप को प्रार्थना के सेवकाई में समर्पित है, उनका दूसरा शब्द है यहोवा के सामने अपने आप को उपस्थित करता है। हालेलुया। क्या मेरे जीवन में, आपके जीवन में है? नहीं तो आज का ये बाइबल स्टडी, बाइबल अध्ययन के द्वारा हम अपने जीवन को एक नया हैबिट कल्टिवेट करना है, नया आदतें डालना है। क्या ही आपके साथ ही बोल सकता है कि आज सुबह से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आज परमेश्वर का उपस्थिति से मैं आया? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात उस पहाड़ का, सयोन पहाड़ के ऊपर रहा। नीचे उतरने के समय में
परमेश्वर का वचन बताता है मूसा का चमड़ा चमकने लगा, चेहरे का चमड़ा चमकने लगा। मूसा लोगों के पास तक आने के लिए मुश्किल हो गया और मूसा एक पर्दा डाल दिया। इतना ज्यादा चमक कहां से? यह परमेश्वर का उपस्थिति से। यदि मैं और आप परमेश्वर का उपस्थिति में रहेंगे, निश्चय मैं और आप प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर का महिमा हो। दूसरी बात है, एक नम्र हम्बल लाइफ, नम्र स्वभाव। परमेश्वर का महिमा हो। इस बात से दो बात हम सीखेंगे। एक प्रार्थना करने वाला एलिया, जिनके प्रार्थने के द्वारा घोषणा किया, जब तक मैं नहीं कहेंगे मेघ नहीं बरसेंगे, ओस नहीं गिरेंगे, आकाश को बांधने के लिए, आकाश को खोलने के लिए, कुदरत का शक्ति को ऊपर कंट्रोल करने के लिए एलिया के पास अधिकार था। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कुदरत का ऊपर भी सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का महिमा हो। दूसरी बात है, वो बहुत बड़ा उन्नति, बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस, बहुत बड़ा एक पदोन्नति एलिया के जीवन में होने वाला था। अचानक परमेश्वर एलिया को कुछ बातें सिखा रहा है। इस पद पर तुम आने के पहले मैं तुझे ऐसे एक रास्ता से ले जाना चाहता हूं। और आपको मालूम है, और परमेश्वर ने उनको करीत करके एक नाला के पास भेजा। इतना बड़ा भविष्यवक्ता, राजा को चैलेंज करने वाला भविष्यवक्ता, बाल का देवता को पूजा करने वाला, 450 पुजारियों को चैलेंज करने वाला एलिया अचानक इतना नम्र हो गया, अपना जान खतरे में करके मालूम हो गया। परमेश्वर ने एलिया को बताया, यहां से कुछ समय के लिए भाग जाओ, अपने आप को यहां से गायब कर दो। एलिया के पीछे अहाब का पत्नी इसबेल उनके जान का खतरे में आ गया, उनके जान लेने के लिए पीछे पड़ गया। एलिया को भागना पड़ा वहां से। एलिया भागते हुए केरीत का नाले के किनारे आकर के एजव का पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठ करके इस प्रकार बोलने लगा, हे प्रभु, बस मेरे प्राण को ले लो, मेरे प्राण को ले लो। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हम कभी कभी इस रास्ते से भी होकर के जाना पड़ता है। विशेष करके मैं इस हफ्ते इसलिए इस मैसेज को तैयार किया, हमारे चर्च का कुछ विश्वासी लोग इसी रास्ते से जा रहा है, कुछ पास्टर लोग इस रास्ते से जा रहा है। हमारा चर्च का नहीं है, बाकी अन्य चर्च का भी कुछ पास्टर लोग मैंने देखा, उनके भी जीवन में इसी प्रकार की एक अनुभव उनके जीवन में आने के समय में अचानक चकित हो जाता है। क्यों ही मेरे पास? सारे विश्वासी के पास नहीं है, सारे पास्टर्स के पास नहीं है, सारे प्रभु का दास के पास नहीं है, क्यों मेरे पास? अभी कुछ दिन के पहले मैं राजा के सामने खड़ा हो गया, आज मैं करित नाले के पास एक फ्यूजिटिव जैसे, एक कल्प्रिट जैसे, एक अपराधी जैसे भागना पड़ा। परमेश्वर ने बोला बहुत जरूरी है, अगले पद उन्नति के पहले इस रास्ते से जाना तुम्हें बहुत जरूरी है करके एलिया को परमेश्वर सिखाया। परमेश्वर का दास दासियों, प्रभु का भक्तों, आपके जीवन में एक उन्नति, पदोन्नति मिलना है, कुछ ऐसे हम्बल लाइफ से जाना जरूरी होता है। परमेश्वर को मालूम है, आपका विचार और परमेश्वर का विचार आकाश और पृथ्वी का फर्क होता है। आपके विचारों से हजारों गुना भला सोच रहा है। आप छोटे से बुद्धि से, छोटे से ज्ञान से आप कई बातें सोचेंगे, मगर परमेश्वर का योजना आपके प्रति बहुत अनमोल है और हम समझदारी से काम करना होगा।
कष्ट मुसीबत कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर स्वयं अनुमति करता है, उसको समझना है, समझदार बनना है। इस बात मेरे जीवन में कट रहा है, इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है, मेरे योजना से बेहतरीन योजना परमेश्वर के पास है। मैं मेरे छोटा दिमाग से, छोटा माइंड से छोटी बातें सोचता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी योजना मेरे लिए रखा है। यदि आप ये समझेंगे इस बात को, फिर कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, गुड़गुड़ाएंगे नहीं, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठेंगे। एलिया को बताया, एलिया यहां से थोड़ा सा दूर जाकर के करीत नामक नाला है उसके पास जाके बैठा। पढ़ेंगे स्नेहा उस दूसरा वचन। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा, छिप जा। ठीक है, कभी कभी देखिए, इतना बड़ा भविष्यवक्ता, मैं बताया भविष्यवक्ताओं में से श्रेष्ठ भविष्यवक्ता, और छिपने के लिए बताते हैं। क्या क्या डरपोक जैसे, अभी तो राजा का सामने का, और इतना बड़ा बात घोषणा किया गया एलिया, अब एक डरपोक जैसे बता रहे, एक डरपोक जैसे भाग जाए यहां से, अपने आप को गायब कर दो, छिप जा जाकर के। कभी कभी विश्वासियों, पास्टर लोग, लीडर्स, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अनुमति दे देंगे। चकित नहीं होना, आश्चर्यचकित नहीं होना, ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है। एलिया तो ऊपर से प्रार्थना करके आग बरसाया, आग उतार दिया स्वर्ग से। ऐसे अद्भुत काम करने वाला एलिया आज एक डरपोक जैसे करीत नाले का पास में जाकर के अपने आप को छिप रहा है। इसमें से क्या समझता है हम? हमारे जीवन में कुछ बात परमेश्वर सिखा रहा है, ह्यूमिलिटी सिखा रहा है, हम्बल लाइफ सिखा रहा है। ये समझना, बहुत बड़ा पादरी आजकल ऐसे कुछ पास्टर्स को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। कहीं एक दो चमत्कार किया है तो फिर बड़ा बड़ा कटआउट करेंगे, बड़ा बड़ा पोस्टर में आ जाएंगे, फिर उसको मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक साधारण एलिया इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने के बाद में भी अपने आप को एक छोटा व्यक्ति समझे, एक साधारण व्यक्ति समझा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वहां बैठ करके सोचने लगा, परमेश्वर ने कुछ बातें सिखाया, बोला तुम्हारा खाना पानी का व्यवस्था मैं करूंगा, देश में पूरा अकाल है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सूख गया है, खेती बाड़ी सूख गया है, जानवर सब मरने लगा, पानी कहीं नहीं, लेकिन करीत नाले के पास थोड़ा से पानी आ रहा है। एलिया को आदेश है, मिला है, वो नाले का पानी तुम पीना, और हर दिन सुबह शाम दोपहर तुम्हारे लिए मीट का आयोजन, रोटी का आयोजन करेंगे। और एक कौवा को परमेश्वर ने आदेश दिया, राजमहल में जाना, राजा के लिए बना रहे पहले वाला रोटी उठा करके लेके आना और मेरे दास एलिया को खिलाना। इस प्रकार पहले वाला जो बना रहा है कहीं कुछ खाने के लिए नहीं है, बल्कि राजधानी राजा का महल में है, राजा के लिए बनाया गया मीट, उसके एक टुकड़ा जैसे फ्राई करने के समय तू उठा कर लेके आना। एक बात और समझना है उसमें से, किसका हाथ से है, किसका चूंच से है? कौवा का। कौवा क्या खाता है सबको पता है, जो सड़ा सड़ा चीज कौवा खाते हैं, कौवा को कोई पसंद नहीं करता है। एलिया ये बोलना चाहिए ऐसे, हे प्रभु, और कोई जानवर नहीं मिला, और कोई पक्षी नहीं मिला, कितना सुंदर है कबूतर, कबूतर का हाथ से ही खाना मिल गया तो कितना अच्छा है। ये कौवा सारे गंदे गंदे चीज खाते हैं, वो कौवा का चूंच से हमको खाना है? कभी कभी हम लोग समझते नहीं है बात को, कई बात हम लोग भूल जाता है,
मुझे याद आ रहा है लूका के सुसमाचार में जो लाजर और धनवान का कहानी में, धनवान नरक में वो अधोलोक में आग में तड़प रहा है, प्यासा है, दूर से देखा इब्राहिम का गोद में लाजर बैठ करके आराम कर रहा है, यहां से पुकार रहा है, हे इब्राहिम पिता, हे इब्राहिम पिता, आपके गोद में बैठा हुआ लाजर को मेरे पास भेजो। किस लिए मांग रहा है? उसका छोटा उंगली का सिरे से एक बूंद पानी मेरे जीभ को ठंडा करें। एक ग्लास पानी नहीं मांगा, एक जग पानी नहीं मांगा, एक बूंद पानी मांगा, वो भी कहा है लाजर का उंगली से। थोड़ा समय के पहले, दो तीन दिन के पहले दोनों जिंदा था। उस समय कुष्ठ रोग करके बताया, अपने घर के पास बैठा दिया और उस समय कुष्ठ रोगी था। आज कोई परवाह नहीं है, धनवान को कोई परवाह नहीं है। जो मांग रहा है उस व्यक्ति का हाथ कुष्ठ है करके पता होने के बाद में भी मांग रहा है एक बूंद पानी उस कुष्ठ रोगी का हाथ से। हम संसार में रहने के बाद समय बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे लोगों को तुच्छ जानता है, हमसे भी गरीब लोग बहुत तुच्छ जानता है आजकल का लोग। समझदार बनना है भाइयों बहनों, कभी कभी कौवा जैसे बातों को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, अपना घमंड में बैठ करके मैं कौवा का हाथ से नहीं ले लेंगे, कौवा का छूंज से आ रहा है हम नहीं लेंगे, हम तो कबूतर लेके आएंगे वही खाएंगे वही पिएंगे। प्रभु का दास दासी लोग समझदार बनना है, परमेश्वर का महिमा हो। कभी कभी परमेश्वर, मैंने बताया ना, परमेश्वर का योजना अद्भुत और गंभीर है, कभी समझ नहीं सकता है। यदि मैं और आप समझदार बनकर के परमेश्वर का योजना का अंतर्गत है तो हमारा जीवन सौभाग्य जीवन होगा, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं एक बात याद है मुझे, मैं बहुत छोटा था, करीब 13-14 साल का था, एक कन्वेंशन में गया। कन्वेंशन में जाकर के बैठा मेरे पापा मम्मी के साथ। तब उस कन्वेंशन में प्रचार करने वाला व्यक्ति एक इंस्पेक्टर था, पुलिस इंस्पेक्टर। वो व्यक्ति का नाम है इंस्पेक्टर सीवी जॉन। सीवी जॉन एक साधारण एक क्रिश्चियन था, नामधेय क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन, यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं था उनका। वो इंस्पेक्टर था वहां का, ट्रिवांड्रम उस इलाका का इंस्पेक्टर था। और पांच उंगली में से एक ऊंची उंगली चोट लग गया, कट गया। वो अपना हाथ उठा करके सबसे पहले अपना गवाही दिया, सबके पास पांच उंगली है, मेरे पास 4.5 उंगली है करके बताया। इस 4.5 उंगली से यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। उसके बाद उनका अद्भुत गवाही सुनकर के सब लोग रोने लगा। मैं उस समय उस गवाही, उस दिन बताया गया गवाही आज भी मुझे याद है। ये उंगली कटने से मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया करके बताते। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कटना कटने के समय में हम सोचेंगे बुराई है, हमारे लिए बहुत बुराई हो गया करके, लेकिन उस बुरा को परमेश्वर भला में बदलने वाला है। हालेलुया बोलेंगे। ऐसा है तो आपके जीवन में इसी समय पर कट रहा है, वो कटना परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है, याद रखना। उसके बाद एक अद्भुत बात आपके लिए होने वाला है। आप जिस रास्ता से अभी गुजर जा रहा है भयानक है, टेरिबल है, हॉरिबल है, आप बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सामने अंधेरे दिखाई देता है, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है। चाहे घोर अंधकार का तरह इसे होकर के चलूं, हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। जिस परिस्थिति से आप जा रहा है, कठिनाई का रास्ता है, चिंता मत करना, परमेश्वर आपके साथ है। तो ये बताया मेरे 4.5 उंगली का मतलब क्या है। एक बार हमारा आईजी साहब ने एक बहुत बड़ा फेयरवेल बनाया। वो फेयरवेल बना करके बताया एक भलाना जगह पर हम लोग शाम को 10 बजे इकट्ठे हो जाएंगे, सॉरी 8 बजे इकट्ठे हो जाएंगे। 8 बजे शाम को
और उसमें बहुत सारे इंस्पेक्टर्स होगा, दरोगा लोग होगा और पुलिस डिपार्टमेंट का काफी लोग होगा, बहुत बड़ा फेयरवेल है। तो ये इंस्पेक्टर सीवी जॉन को बताया जीप लेकर के, बहुत आज यहाँ जो मार्केट सब कुछ मिलता है केरल में, उस पहाड़ी इलाका में बहुत ही मुश्किल होता है सामान एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, जीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 4x4 वाला जीप, साधारण जीप नहीं है, बहुत ऐसे पहाड़ी पहाड़ से जाना पड़ेगा। तो ये इंस्पेक्टर को काम सौंपा गया, आपका काम है ये पार्टी जो बड़ा पार्टी है उसका नाश्ता के इंतजाम, खाने के इंतजाम का पूरा ड्यूटी तुम्हारा है। इसलिए क्या करना, पैसा लेकर के बड़ा रेस्टोरेंट में जाना और खूब सामान खरीदना, केक होना चाहिए उसमें, समोसा होना चाहिए उसमें, पप्स होना चाहिए, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स होना चाहिए, सब चीज पूरा पार्टी के लिए एक जीप भर करके, कुछ सिपाहियों को भी रख दिया, 4-5 सिपाही भी है, और इस सारे सामान खरीद करके तराई से होकर के पहाड़ के ऊपर 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 जा रहा था। ऊपर जाते 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 थोड़ा समय के बाद अचानक अचानक ऊपर से के बिजली जैसे कुछ चमकने लगा, बहुत स्पीड से जाने वाला गाड़ी अचानक रुक गया। हाँ, उन्होंने बताया जैसे ट्यूबलाइट, जिस प्रकार ट्यूबलाइट आ रहा ऊपर से, एक ट्यूबलाइट लाइट होता है ना, वो लाइट वो जीप को मार दिया। और मेरे पास जो सिपाही गाड़ी चला रहा था उनको स्ट्रक कर दिया, वो तुरंत बेहोश हो गया, और उसके बगल में मैं बैठा था, मेरे उंगली कट गया, मेरी उंगली कट गया, 4.5 उंगली मेरे पास। तो ये क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा था, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, गाड़ी बंद हो गया। काफी दूर यहां से, बहुत काफी किलोमीटर है वहां तक पहुंचना है जहां फेयरवेल, जहां पार्टी हो रहा है। तो एक सिपाही क्या किया, जीप का आगे का बोनेट ऊपर कर दिया, इंजन को कुछ तकरार है, इंजन क्या हो गया देखने के लिए वो उठाया, उठाने के समय में रेडिएटर से खूब धुआं निकल रहा है, भयानक धुआं निकल रहा है। तो पता मिला वो पानी की जरूरत है, पानी डाल करके इसको रेडिएटर को ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाना मुश्किल है। उतने समय पर सिपाही को बताया तुम ये काम करना, जो देखो नीचे एकदम नीचे तराई में छोटा सा एक लाइट जलाई देता है, छोटा सा एक लाइट, थोड़ा से मोमबत्ती जैसे दिखाई देता है, जाओ किसी का घर होगा उधर जाकर के एक तो बाल्टी पानी लेके आना, एक बाल्टी पानी लेके आना। वो सिपाही धीरे 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 नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। काफी समय से वो सिपाही नहीं आ रहा है, वो समय हो गया। इंस्पेक्टर सीवी जॉन बोला, ये क्या बात है, ये नीचे वो नहीं आ रहा है, चलिए मैं भी उनका पीछा पीछा करेंगे, कहाँ गया है। धीरे धीरे उनका पीछे जाते 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 देखा, वहां जाने के समय में एक झोपड़ी के अंदर थोड़ा छोटा आवाज आ रहा है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु करके कोई प्रार्थना कर रहा है, घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा है। तो खटखटाया, तुरंत खुल गया, एक डूबला पतला व्यक्ति बाहर आया, तो देखा 4 बच्चे कई दिन हो गया खाना पीना होकर के ऐसे पड़े रहता है, और उनसे पूछे ये बच्चे क्यों ऐसे, तो बोला 5 दिन हो गया खाना खा करके, हमारे पास कुछ नहीं है, गरीबी उस समय कितना भयानक था। बोला जब कभी बच्चे उठेंगे, हम लोग पति पत्नी क्या करता है, एक बर्तन में पानी रखेंगे स्टोव में, और एक करछुल हमारे पास है, बच्चा रात में भूख के साथ उठेंगे, माँ भूख लग रहा है, माँ भूख लग रही है, तुरंत एक करछुल हाथ में है, वो करछुल लेकर के अभी सही हो जाए, अभी तैयार हो जाएंगे अभी, और ये करछुल क्या करता है पानी में घुमाते, बच्चे सोचेंगे अभी चावल बनने वाला है करके, और थोड़ा समय रहेंगे फिर सो जाता है। इसी प्रकार करते आया 5 दिन से करके बताया। तुरंत इंस्पेक्टर सीवी जॉन रोम खड़ा हो गया, एक मिनट के लिए बोला, ओहो ये बात, इनका प्रार्थना,
इनका प्रार्थना वहां जीप में चमत्कार कर दिया, ऊपर से के विचलिया करके मार दिया। मेरे ड्राइवर सिपाही बेहोश हो गया, मेरे हाथ मेरे उंगली कट गया। तो मुझे समझ में आया कारण क्या है। तो एक सिपाही को बोला, जीप के अंदर जितने ही खाने वाला पदार्थ है सब उठा करके लेके आओ, सब उठा कर लेके आओ। सब उठा करके लेके आया, बोला आप पूरा ये आपके पास छोड़ करके हम जा रहे करके। वापस खाली हाथ से गया, खाली हाथ से जा करके अपना फेयरवेल मीटिंग तब तक खत्म हो गया, मतलब 10 बजे के ऊपर हो गया, 8 बजे पहुंचना था, 2-3 घंटे हो गए इधर। और जा करके सारे कहानियां उनको बता दिया। उसी दिन घुटना ठीक दिया, घुटना ठीक करके सीवी जॉन इंस्पेक्टर बताया, परमेश्वर मुझे इस गवाही के द्वारा मुझे टच किया, आज से लेकर के मैं परमेश्वर का दास बनेंगे। उसी दिन यीशु को ग्रहण करके और एक पादरी बन गया, वो हमारे कन्वेंशन में आकर के प्रचार किया। भाइयों बहनों, इंस्पेक्टर कौवा का काम किया, एक कौवा का काम किया इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर चमत्कार प्रार्थना का सामर्थ्य का देख करके इंस्पेक्टर और पूरा पुलिस लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रार्थना की शक्ति आप जानते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार होगा, हम सोचेंगे भलाने व्यक्ति के द्वारा हमें मदद मिलेगा, लेकिन परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल करेंगे। हमारे जीवन में क्या हो रहा है शायद आज के दिन में आपको और मुझको नहीं मालूम, लेकिन हम स्वर्ग जाने के समय में सब कुछ हमको पता मिल जाएगा, ये क्यों हमारे जीवन में इकट्ठा है। इसका मतलब 2 दिन का पहले आपके जीवन में इकट्ठा है, वो भी परमेश्वर का योजना के मुताबिक। 2 दिन के पहले आपके जीवन में ये बुराई करके आपने बताया, कुछ दिन के बाद आपको मालूम हो जाएगा जो बुराई के रूप में कट्टा है वो भलाई का कारण, किसी ना किसी बात का भलाई उसके द्वारा होगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मुझे मालूम है इस समय एक वचन याद आ रहा है, रोमियो का पत्री 8:28 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, देखिएगा, उनके लिए सब बातें मिलकर मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। कितना लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठाकर स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास करिए, सब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अब यीशु मसीह से प्रेम करते हो, यदि आपके जीवन में ऐसा घटना हो रहा है, इस समझना है उसके पीछे एक भलाई है, इसके पीछे एक भलाई छिपा है। आज मेरे नजर के सामने नहीं, क्योंकि मेरे नजर थोड़ा से दूर दिखता है, मैं जो दिखता है उसके ऊपर क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऊपर से देखने वाला परमेश्वर हमारे जीवन काल के अंदर हम समझ में नहीं आते, आगे 5 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, आज से 10 साल के बाद क्या होगा, कुछ नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह का आंग के सामने सब कुछ है। लेकिन चिंता नहीं करना, आप अपने योजना परमेश्वर का योजना का अंतर्गत होने के लिए प्रयास करना। परमेश्वर का महिमा हो। और जो कुछ चीज हम लोग प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना करने के समय निश्चय उसका फल मिलता है। एफेसियों का पत्री 3:20 में इस प्रकार लिखा है, एफेसियों 3:20, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ, हमारा विनती और समझ से कहीं, समझ से कहीं अधिक काम कर सकता, समझ है, से अधिक काम कर सकता है, कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। अधिक काम जब सोच रहे ना, आपके बेटी के लिए बेटा के लिए जो सोच रहे ना, आप प्रार्थना कर रहे ना, उससे भी अधिक काम। हालेलुया। एक्सीडिंगली एंड अबंडेंटली करके इंग्लिश बाइबल में, एक्सीडिंगली एंड अबंडेंटली, ये दो काम आप सोच रहा है, आपका प्रार्थना के द्वारा जो सोच रहा है, चाह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उससे कई गुना बढ़ करके प्रभु देने के लिए सर्वशक्तिमान है। उनका कामों को छोटा मत करना। कैसे छोटा हो जाता है मालूम है? परमेश्वर को काम करने के लिए असमर्थ कैसे होता है पता है? आपका अविश्वास, आपके अविश्वास के कारण परमेश्वर का काम बंद हो जाता है।
एक जगह पर मुझे याद है परमेश्वर का वचन बताता है, उस इलाके में गया, उस मोहल्ले में गया, उस गांव में गया, यीशु मसीह कोई काम नहीं किया करके, कोई लोग चंगा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लिखा, नीचे वचन लिखा है, उनका अविश्वास का निमित्त वहां ज्यादा कोई काम नहीं हुआ। मेरे और आपके अविश्वास बहुत कुछ परमेश्वर का कामों को कम कर सकता है। इसलिए आज इस विषय पर ध्यान करना, कभी कभी परमेश्वर की योजना कुछ और है और हम उस योजना को समझ देना बहुत जरूरी है। एक बार चेन्नई में मैं कंप्यूटर साइंस का क्लास पढ़ने के लिए चेन्नई में आया। एक छोटा से कमरा किराए पर लेकर के प्रभु का सेवकाई भी बीच में किया। उस समय अचानक हमारे ऑफिस में एक स्टाफ मीटिंग था। स्टाफ मीटिंग में हम बैठ गया। बैठने के समय एक गवाही सुनने के लिए आया, कोई आया गवाही सुनाने के लिए। ताम्बरम करके है, आउट ऑफ मद्रास है, मद्रास से काफी दूर है और देहात एरिया में एक साधारण पास्टर, विशेष कोई बात नहीं, कोई वरदान वाला पास्टर नहीं, कोई नहीं जानता है, झोपड़ी बना करके झोपड़ी में 10-15 विश्वासी के साथ आराधना करने वाला छोटे से कलिश्य, एक छोटे से चर्च, कोई नहीं जानता था। लेकिन ऐसा हुआ, एक दिन मसीह विरोधी आया, आकर के बोला, सब थोड़ बोड़ कर दिया और पास्टर साहब को वहां से खदेड़ दिया और उस चर्च को, झोपड़ी को क्या किया, आग जला दिया, पूरा जल गया। पास्टर साहब बैठ करके रोने लगा, हे प्रभु, मेरे जीवन में क्यों अनुमति दिया इसे, ऑलरेडी मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब विश्वासी के साथ थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करके एक खेत में एक झोपड़ी बनाया, जो लोग मसीह विरोधी आकर के उसको भी जला दिया, क्या करें करके। लेकिन ऐसा हो गया, जंगल फायर जैसे इस बात फैल गया, पूरा तमिलनाडु में, चेन्नई में एक चर्च जलाया गया करके बताया। अब धीरे 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 हर जगह पर फैलने लगा, फैलते फैलते सारे लोग, अब विश्वासी लोग, दूसरे चर्च का लोग, विश्वासी लोग, पास्टर्स लोग देखने के लिए आया। देखने के समय में क्या हो गया, सारे चर्च में एक निर्णय लिया, बोला आज का पूरा हमारा ऑफरिंग, पूरा ऑफरिंग, चाहे कितना लाख हो, ये पूरा ऑफरिंग वो चर्च के लिए देना है, वो पास्टर साहब के लिए देना है। ऐसे करते करते 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा जमीन खरीदा और बहुत बड़ा कॉन्क्रीट बिल्डिंग है, बहुत बड़ा एक चर्च बन गया। हालेलुया, परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, इस घटना उनके जीवन में नहीं घटा तो जिंदगी पूरा झोपड़ी में बैठ करके आराधना करता है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में इसी प्रकार अग्नि परीक्षा आ जाता है, आग के अंदर से घुस जाता है, ताकि परमेश्वर का महिमा इसके द्वारा प्रकट हो। वो पास्टर को कोई नहीं जानता था, देहात का ही पास्टर था, हालेलुया, लेकिन वो फेमस हो गया, बहुत बड़ा आरसीसी बिल्डिंग के साथ बहुत बड़ा हॉल परमेश्वर बना करके दे दिया। ये भाई बहनों, चिंता मत करना, आपके जीवन में इसी रास्ता से अब गुजर जा रहा है, हालेलुया, चिंता नहीं करना, परमेश्वर का कोई बड़ा उद्देश्य आपके जीवन के द्वारा है। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मैं और एक उदाहरण बताना चाहता हूं, हालेलुया, बाइबल से ई है, उत्पत्ति की किताब 50:20 में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, ताली बजाकर प्रभु स्तुति करेंगे। हालेलुया, यदि मान लीजिए आपका शत्रु, आमेन, आपका पड़ोसी आपके विरोध में आएंगे, आपका हाकिम कभी आपके विरोध में आएंगे, राजनीति के आत्मी आपके जलन के साथ आपके विरोध में आएंगे, आपके विरोध में कुछ भी इविल काम करेंगे, लेकिन याद रखना, उस इविल बात को, उस बुराई को परमेश्वर भलाई में उत्पन्न करेंगे। हालेलुया, ये किसका बात है पता है, ये बात है यूसुफ का कहानी है। यूसुफ को भाई लोग क्या किया, घृणा करके, जलन ईर्ष्या करके यूसुफ का कपड़े को फाड़ दिया और उसके बाद गड्ढे में डाल करके जो बड़े ही प्रोसेस से होकर के जाना पड़ा, उसके बाद वहां का प्रधानमंत्री बन गया, इजिप्ट का, मिस्र देश का आप प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री करने के बाद और भाई लोगों को अपने पास बुला लिया, हालेलुया, पिता को भी बुलाया, लेकिन जिस दिन पिता का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, तो भाई लोग दौड़ करके आया और तुरंत यूसुफ के सामने गिर पड़ा। भैया लोग सब गिर पड़ करके हाथ जोड़ करके बोला, अब तो हमारा पापा का डेथ हो गया, क्या हमने आपके विरोध में बुराई किया, आपको हालत गड्ढे में हमने डाल दिया, क्या उसका बदला लेंगे, हमारे बच्चे के ऊपर उसका बदला लेंगे, आप हमारा स्वामी हैं,
आप हमारे राजा हैं, किसको बोला, छोटा भाई को, बड़ा भैया लोग बोल रहा है। तब यूसुफ का मुंह से इस बात को निकला, भाई लोगों के साथ ही बताया। फिर पढ़ेंगे उस वचन, उसी वचन, परंतु परमेश्वर ने उसी बात नहीं, में भलाई का उसको, 20 से, 20 से, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। भाइयों बहनों, टाटस बांधो, जो लोग आपके विरोध में कुछ षड्यंत्र रचा रहा है, आपका प्रमोशन के हाल पास तक आगे आप डीप प्रमोशन करने के लिए कोशिश कर रहा है, आप जमीन खरीदने के लिए पा रहे, उसके बीच में कुछ ऐसे काम करके जमीन आपसे निकालने के लिए कोशिश करता है, हालेलुया, तंगाई का बढ़ोतरी के समय में कुछ काम कर रहा है, आपके विरोध में जादू चला रहा है, टोना चला रहा है, कुछ लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, टाटस बांधो, नेगेटिव मत सोचो, हमारा परमेश्वर जिंदा प्रभु आपके बिसाइड, आपके पास खड़ा है, कुछ नहीं हो सकता है, यदि बुराई करते तो भी वो बुराई भलाई में बदल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मुझे एक बात याद आ रहा है, चेन्नई में एक बहन नर्सिंग कॉलेज में गया, एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, उनके चेहरे पर पूरा दाना निकल गया, दाना पक गया, उसके बाद पिंपल्स जैसे हो गया, इतना इलाज किया ठीक नहीं हो रहा था, बहुत कुछ किया ठीक नहीं हो रहा है, बैठ करके रोने लगा, इस प्रकार बहुत रोने लगा, मेरा चेहरा बदसूरत होने के नाते कोई बॉयफ्रेंड मुझे नहीं मिल रहा है, बाकी सब देखे मुस्लिम को देखो, कितना खूबसूरत चेहरा है, कितना सुंदर चेहरा है, कितना, हाँ हिंदू को देखो, बाकी नामधारी क्रिश्चियन को देखो, सब अच्छे, कितना अच्छा खूबसूरत चेहरा है, लेकिन मैं एक विश्वासी होने के बाद, मैं प्रभु का दासी होने के बाद, मैं कायदे से जी रहा है उसके बाद, क्यों परमेश्वर मेरे चेहरे को खूबसूरत बना दिया। उस समय उसको नहीं मालूम था, रोते रही, प्रार्थना करते रही, बुड़बुड़ाने लगी, लेकिन कंप्लीट हो गया, नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद परमेश्वर से बात करने लगा, बेटी आप में तुमको सिखाएंगे, तुम्हारे साथ जितने लोग निकला था सबका जीवन बर्बाद हो गया, लव किया, कौ किया, और किसी लड़का के साथ पीछे भाग गया, सबका जीवन आज बर्बाद हो गया, लेकिन तेरे जीवन मेरे हथेली पर है, एक पल काफी है तेरे चेहरे का बिगड़ा हुआ चेहरा ठीक करने के लिए, अब तुम्हारे लेके अद्भुत रिश्ता मैं रखा है, हालेलुया, और तुम्हारा खूबसूरत हालेलुया जीवन को देख करके बाकी लोग ताज्जुब हो जाएंगे, हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर अनुमति देते इसी के बारे में, इसी प्रकार अनुमति देता है, तो समझदार बनो, आप चिंता मत करो, क्यों परमेश्वर में मारा है, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में यह अनुमति दिया है, क्यों मेरे पापा मर गया है, क्यों मेरे मम्मी के जीवन में ऐसा हो गया, क्यों मेरे बच्चे ऐसे अस्पताल में भर्ती हो गया, क्यों ऐसा, क्यों दूसरे के ऊपर नहीं, क्यों मेरे ऊपर आया, क्यों मेरे पैसा बर्बाद हो गया, क्यों मैं धोखा खाया, ये सारे बुराई आपके जीवन में है, ये बुराई को एक पल में परमेश्वर या आने वाले दिनों में भलाई में बदल देगा। ठाटस बांधो, हिम्मत रखो, परमेश्वर सबको बहुत आयत का साथ आशीष करेंगे। हम तीन बातें सीखा, एक जिसके जो इसराइल का परमेश्वर जिसके सामने में उपस्थित करता हूं करके हिम्मत के साथ राजा के साथ बात किया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो, उसी हालेलुया एलिया भागना पड़ा, करीत नाले के पास जाकर के बैठ करके हम्बल होया, बहुत ज्यादा नीचे आया, बहुत कुछ सीखा वहां से, ह्यूमिलिटी सीखा, उसके बाद वहां से परमेश्वर प्रमोशन किया है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी प्रार्थना जीवन के बारे में बताया, जिस परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होकर के प्रार्थना करने, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने वाला एक आदत एलिया के जीवन में था, इसलिए कुदरत का शक्ति एलिया का हाथ में आ गया, हालेलुया, आकाश से हालेलुया स्वर्ग से क्या किया, आग को उतार दिया, उनका प्रेयर लाइफ देखिए और सिंबल सिटी देखिए, हालेलुया, उनका
नम्र स्वभाव को देखिए, और दूसरी बात, कौवा का हाथ से भी, हवा कौवा का छुंज से भी खाने का एक आदत मिला है। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, ये सारे बात के चिंतन करिए। यूसुफ का बुराई किया था उनका भाई लोग, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। जो बुराई सोचा है और बाद में वो लोगों का भी भलाई का कारण हो गया, बहुत सारे लोग यूसुफ के द्वारा आशीषित हो जाए हो गया। आज आपके जीवन में जी बुराई दिखाई देता है, कल बहुत सारे लोग जो आपको पीड़ा देता है, जो लोग आपको तकलीफ देता है, उसको भी आशीष का कारण होगा। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, सुंदर अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। एक सप्ताह पूरा मैं संभाला प्रभु जी, का नया सप्ताह देखने के लिए तूने कृपा दिया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो जो लोग मेरे वचन सुन रहा है प्रभु जी, उनका दिल को खोलिए, आत्मा को खोलिए प्रभु जी। जो वचन प्रचार किया बहुतायत के साथ, उसके अंदर रोप नहीं पाए प्रभु जी, आने वाले दिनों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशीष करिए, एलिय्याह के अंदर का जितने गुण, सारे गुण हमारे अंदर उतार दीजिए प्रभु जी। आशीष करिए खुदावंद, सारे आदर महिमा प्रशंसा स्तुति यीशु को केवल देता हूँ, यीशु मसीह का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। आमेन।